के जनजन के प्रिय नेता भाई रोहतास जी, रावत साहेब, रोशन लाल जी, चंदेला साहेब, राजेश चौधरी जी, झावर ठेकेदार साहब, रतिराम ठेकेदार जी, माननीय सुनील कुमार जी, कैलाश यादव जी, कौशपुत्री से चौधरी शुभराम जी, हमारे पत्रकार बंधु विजय यादव जी, लाल सिंह जी, सीआई हमारे बदल साहब, हमारी बेटी हमारी बहन डायरेक्टर श्रीमती सुनीता यादव जी और हमारे बहुत बुजुर्ग मैं समझता हूं पंडाल में सबसे ज्यादा उम्र दराज फूलचंद जी बंसल सैराजपुर के पूर्व सरपंच अमर सिंह जी सरपंच सैद अलीपुर में प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहिबान सारे स्टाफ मंच के सामने बैठी मेरी मातृशक्ति और इस देश के उज्जवल भविष्य के रखवाले नौजवान बच्चों और मैं तुम्हें नाम लूंगा यदुवंशी यूपी इस वट वृक्ष के कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण राजस्थान की सोनी में जन्मे न केवल राजस्थान आज समूचे देश की आज भारत माता की शान राव बहादुर सिंह को नमन प्रणाम करना चाहता हूं। धन्य है वो मारुति देवी दिवंगत स्वर्गीय इनके पिता श्री चिरंजीलाल जी जिन्होंने ऐसे काबिल ऐसे होनहार ऐसे तपस्वी ऐसे ईमानदार ऐसे व्यवहार कुशल ऐसी कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति जो त्याग और तपस्या की प्रतिमा जो इस इलाके के उज्जवल भविष्य के रखवाले मुझे याद है आज से 24 वर्ष पहले जिला महेंद्रगढ़ तकरीबन हर क्षेत्र में पिछड़ा कहा जाता था और एजुकेशन की बात करें अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जिला शून्य था। लेकिन बुजुर्गों भाइयों माताओं बहनों मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि वाकई जैसा नाम वैसा काम राव बहादुर सिंह आज यदुवंशी नाम के पेड़ ने न केवल जिला महेंद्रगढ़ न केवल दक्षिणी हरियाणा मैं हरियाणा की बात भी नहीं करता रिकॉर्ड की बात है ये आंकड़ों की बात है ये तथ्यों की बात है समूचा देश जानता है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जिला महेंद्रगढ़ के मानचित्र को अगर किसी ने समूचे देश में स्थापित किया है तो ऐसी शख्सियत का नाम है राव बहादुर सिंह। ये कोई जनसभा नहीं समय का अभाव है बहुत समय से आप लगभग 7 घंटे से यहां विराजमान मैं आपको चेयरमैन साहब के बीच में ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। इनके लिए शेर है जरा ध्यान से सुन के तालियों की मैं लड़ाक चाहूंगा जो रिंदे बड़ा नौर से एशिया की जो रिंदे बड़ा नौर से एशिया की वो क्या समझेगा मिकदार पैमाने की अमर सिंह जी जो रिंदे बड़ा नौर से एशिया की बेला साहब वो क्या समझेगा मिकदार पैमाने की जिसने इसने राव बहादुर सिंह ने जिसने शिक्षा के नाम को यदुवंशी के नाम को जिला महेंद्रगढ़ के नाम को समूचे देश में फैलाया है ये जिंदा तस्वीर है उसकी माने वाले बंधुओं को यदुवंशी को सलाम यदुवंशी को सैल्यूट। आप हर क्षेत्र में आगे थे आगे हैं आगे रहेंगे लेकिन एक बात आपके माध्यम से पूछकर अपनी बात का समापन करूंगा चेयरमैन साहब आखिर ऐसा क्या अमृत पान करते हो आप ऐसा क्या खाते हो आप
35 साल तो मुझे देखते होंगे, मैं उस समय बहुत बच्चा था, आज मैं आपका चाचा लगता हूं मुझसे सतर्क से। आप आज भी 24.5 साल के लगते हो, इस बात का मेरे को जवाब चाहिए। जवाब है मेरे पास, ये आपका प्यार, ये आज जो बच्चों की फुटवारी है, ये आपको दुआएं दे रही है। यदुवंशी परिवार समूचा आपको इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना दुला, इतना ममता रखता है कि आपकी उम्र वैसे तो बढ़ रही है, लेकिन चेहरे की तो चकाचौंध है। आज भी रिश्ते वाले कई आते हैं मेरे पास, राव साहब से बात कर लो। अगर नहीं भाई, रिश्ता तो राव साहब ने एक बार ही किया है, वही काम रहेगा। बोलिए हमको शक्ल और उम्र की वजह से कह रहे हैं, मगर कोई बात नहीं। और भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमन, यदुवंशी को नमन, राव बहादुर सिंह जी के माता पिता के चरणों में नमन। और यदुवंशी ऐसे तरक्की करे, ऐसे प्रगति करे, ऐसे उन्नति करे। आज के हमारे मुख्य अतिथि और कूटनीति जिन जिन की शान अमर सिंह जी, भाई रोहतास जी और सभी सम्मानित अतिथियों को नमन प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हें राव बहादुर सिंह जी, इसी गति से आप चलते रहिए, आपके कदम पीछे हटने वाले नहीं है। हिमालय पर्वत से टकराना आप जानते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाई को घर